बीजेपी ने भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार निरहुआ को आजमगढ़ से उम्मीदवार बनाया है। निरहुआ आजमगढ़ से अखिलेश यादव को चुनौती देने वाले हैं। फिलहाल निरहुआ वाराणसी में अपनी फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं और फिल्म के सेट पर सियासी सवालों का जवाब दिया निरहुआ ने। उनसे बातचीत की जी मीडिया संवाददाता विनोद मिश्रा ने। इस वक्त हम एक फिल्म के सेट पे हैं, यहाँ पर बकायदा फिल्म की शूटिंग चल रही है और इस फिल्म के हीरो हैं दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ। दरअसल रुपहले पर्दे पर कामयाबी के बाद अब निरहुआ जो है वो सियासी मंच पर भी जा रहे हैं। बीजेपी ने इन्हें आजमगढ़ से अपना उम्मीदवार बनाया है, बकायदा टिकट दिया है। चुनावी माहौल में आपने जो है पार्टी ज्वाइन किया और ज्वाइनिंग के कुछ ही दिनों बाद आपको जो है आजमगढ़ से पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया। आजमगढ़ जहां से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो चुनाव लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव से मुकाबले को कैसे देखते हैं? और दूसरा सवाल ये भी है कि पार्टी ने बहुत जल्द भरोसा जताया आप पर। जी मैं सबसे पहले तो पार्टी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। और इस लड़ाई को मैं इस तरह से देखता हूं कि मैं जिस सोच के साथ राजनीति में आया, आते ही मुझे पहला ही मौका ऐसा मिल गया कि मैं अपनी सोच को लोगों तक पहुंचा सकूं। मेरी सोच ही यही थी कि आज देश को नरेंद्र मोदी जी बहुत प्रभावशाली तरीके से चला रहे हैं और देश के हर क्षेत्र में उनकी नजर है और हर क्षेत्र को वो शक्तिशाली बना रहे हैं, समृद्ध बना रहे हैं। और ऐसे में जो गठबंधन है वो उनको रोकना चाहता है, वो चाहता है कि श्री नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री ना बने। तो मुझे लगा कि मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ गठबंधन के कि नरेंद्र मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री नहीं होने चाहिए। और यही उनका विरोध करने के लिए ही मैं राजनीति में आया था और मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े होने के लिए आया था। और आते ही मुझे पहला ही मौका मिला है कि मैं जो लोग विरोध कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का, उनका विरोध कर सकूं। आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी या समाजवादियों का गढ़ कहा जाता है, आपने देखा होगा पुराने चुनाव आपने देखे होंगे और आप समाजवादी पार्टी से भी जुड़े रहे, कंपेन भी किया आपने उनके लिए, तो आप जानते हैं कि वहां की कंडीशन क्या है। जातीय संख्या की बात कर रहे हैं, यादव वहां करीब 3.5 लाख करीब है, 3.2 लाख हैं, मुस्लिम वहां पे करीब 3 लाख हैं। तो जो कम्बिनेशन इस बार हुआ है, गठबंधन हुआ है एसपी बीएसपी का, वो ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। वहां पे अखिलेश यादव एक चेहरा है बड़ा, तो अखिलेश यादव के सामने और ऐसे समीकरणों में निरहुआ अपने आप को कहां पाता है? निश्चित रूप से देखिए, अखिलेश भैया बहुत बड़े नेता है और ये जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ है ये इस सोच के साथ ही हुआ है कि वो नरेंद्र मोदी जी को रोक पाएंगे। पर उनका ये गठबंधन पूरी तरह फेल हो जाएगा। इसलिए फेल हो जाएगा क्योंकि उस गठबंधन के पीछे नीयत अच्छी नहीं है। जब नीयत अच्छी होती है तो ही काम सफल होता है। और ये जो गठबंधन है, गठबंधन किया गया और गठबंधन करने के बाद जिस तरह का दोनों पार्टियों ने अपना रुख दिखाया, अगर आप मानते हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वो यादवों की पार्टी है जी, और श्री अखिलेश यादव जी यादवों के हितों की बात करते हैं, तो जब पूर्वांचल में यादवों को टिकट देने की बात आती है तो फिर वो यादव कहाँ चले जाते हैं? उनको सिर्फ टिकट देने के लिए अपने परिवार के यादव याद आते हैं। पूर्वांचल में जब चुनाव लड़ना होता है तो खुद चले आते हैं। पूर्वांचल में कोई यादव नहीं दिखता है उनको कि यहां भी कोई यादव है जो यहां का प्रतिनिधि बन सकता है। दूसरी बात, बहन जी की बात करता हूं, सुश्री मायावती जी की बात करता हूं, एक संगठन उनका है दलितों का, उन्होंने संगठन किया, दलितों के नाम पे राजनीति किया उन्होंने और उनको संगठित करके उनके ताकत के दम पे ही आज उनको 38 सीटें मिली गठबंधन में जी। वो 38 सीटें किसके दम पे मिली? दलितों के दम पे, बिल्कुल, कि भाई दलित इनके साथ है, बिल्कुल। तो उन 38 सीटों को दलितों को क्यों नहीं दिया गया? वो दलित फिर क्यों नहीं नजर आए? इसीलिए इस बार पूर्वांचल का यादव जो है अखिलेश यादव का मुकाबला करेगा, पूर्वांचल में घेरेगा उनको, पूर्वांचल में यादव उनको भी घेरेगा और दलित जो है वो भी बताएंगे कि बहन जी जो हमारे हक की सीटें मिली थी, 38 सीटें जो गठबंधन में मिली थी वो हमारे लिए थी, आपने किसको दे दिया, कैसे दे दिया? ये पूरा देश जानता है, ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, ये पूर्वांचल जानता है कि उन 38 सीटों का बहन जी ने क्या किया। तो वो तैयार हैं, उनको पता है कि भाई आप अब तक आपने हमको धोखा देके हमको बहुत छला है, अब नहीं छलने देंगे। और मैं इसलिए आया हूं जी कि मैं
उस बात को ही बताना चाहता हूं कि आप एक बार सोचो, दिमाग लगाओ, आपको कोई कहता है कि ये सही है ये गलत है तो आपका अपना भी दिमाग है, आप भी देखो कि क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। आज अगर आप नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहें तो एक व्यक्ति ऐसा है जो पूरे देश को साथ लेके चल रहा है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान। अभी आपने मुसलमान की बात की, मुसलमान लोग जो हैं उनको भी पता है कि आज तक हमको डराया जा रहा था कि अरे नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई तो मुसलमानों की हालत खराब कर देगा। किस मुसलमान को क्या दिक्कत आई है? हर मुसलमान जानता है कि जो सुविधाएं हिंदू को मिली, दलितों को मिली, पिछड़ों को मिली, सवर्णों को मिली, उसी तरह से उनको भी सारी सुविधाएं, सबका साथ सबका विकास हुआ, सबका साथ सबका विकास हुआ। अगर गांव में बिजली गई है तो हर गांव में गई है, हर घर में गई है। बिल्कुल, उन्होंने पूछा कि ये मुसलमान का गांव है तो यहाँ नहीं बिजली जाएगी, ऐसा तो नहीं किया उन्होंने जी। लेकिन एक सवाल और है, आप चूंकि फिल्म पेटेंट से भी हैं, मैंने अभी यूट्यूब पे देख रहा था बहुत सारे सिंगर्स जो हैं आपके इलाके के आजमगढ़ साइड के, वो आपके खिलाफ गाना बना रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि निरहुआ दगाबाज है जिस यादव के धोखाबाजी कर दिया, पहले समाजवादी पार्टी में था। मैं एक सुना था कि वो कह रहे हैं कि वो पता नहीं गाना भोजपुरी गाना की चपाई जी भी है निरहु टाइप से, तो ऐसे गाने यूट्यूब पे चल रहे हैं, लोग आपके आपकी फैटेंट के लोग विरोध भी कर रहे हैं वहाँ पे। देखिए ये जो विरोध है वो आज से नहीं है, ये विरोध 2003 से है। 2003 से पहले मैं बिरहा गाता था और जब मैं बिरहा छोड़ के फिल्मों में आया तो उस समय भी मेरा ऐसे ही विरोध हुआ था। लोगों ने कहा यार बिरहा गाने वाला आदमी ये नाच रहा है, इसने तो बिरहा की नाक कटा दी, बिरहा समाज को इसने बर्बाद कर दिया, कहां बिरहा वाले लोग जो है एकदम ऐसे सीधे खड़े होकर गाना गाते, नाच रहा है तो बिरहा को बर्बाद कर दिया। और जब मैंने प्रूव किया कि नहीं बर्बाद नहीं कर रहा हूं, ये क्रांति है, ये आपको बताने की जरूरत है कि आप किसी भी पैटर्न में बंद क्यों रहे हो, आप किसी भी चीज में अपने आप को सीमित क्यों कर रहे हो। तो वही बिरहा वाले फिर फक्र से कहने लगे कि ये जो भोजपुरी का सुपरस्टार है वो हमारे बिरहा का गायक है, उनको गर्व हुआ। वही मैं आज भी बताता हूँ, आज जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको लग रहा है कि मैंने कोई गलत काम किया है, आने वाले समय में जब उनको पता चलेगा कि यही समाजवादी पार्टी उनको सिर्फ वोटर नहीं समझ रही है, उनको भी अधिकार दे रही है, उनको भी उनको पता चल गया कि ये घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं है भाई, इनको भी हक देना पड़ेगा, इनको अधिकार देना पड़ेगा, तो जब वही लोग अपना अधिकार पाने लगेंगे तो उनको पता चलेगा कि नहीं इसने सही किया था। अच्छा एक सवाल और है, कहा जा रहा है कि आप समाजवादी पार्टी के संपर्क में थे, आपने कहा था कि मैं स्टार कंपेनर बनना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी का प्रचार करूंगा, अखिलेश यादव से भी शायद आपने वक्त मांगा और उन्होंने नहीं दिया, ऐसी कोई सच्चाई है इसमें? क्योंकि खबरें सुनी है मैंने, फैक्ट मुझे नहीं पता। क्या आप चाहते थे कि समाजवादी पार्टी से जुड़े आप, वहां पे आपको मौका नहीं मिला इसीलिए आप बीजेपी में आए? नहीं देखिए क्या है, समाजवादी पार्टी का कुछ उस पार्टी के ऐसे नेता हैं जो मेरे मित्र हैं और उन लोगों के लिए मैंने प्रचार किया, कई बार प्रचार किया है मैंने। पर होता ये था कि जब भी मैं प्रचार में जाता था, अगर मान लीजिए मेरे किसी मित्र ने कह दिया कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ आप मेरा थोड़ा मदद कर दीजिए, आप मेरी रैली में आ जाइए, तो मैं गया भी। और रैली होने के बाद पता चला कि नेताजी आए और नेताजी हेलीकॉप्टर में बैठे निकल गए और वो जो लाख डेढ़ लाख पब्लिक है वो अब मुझे छूना चाहती है, मुझसे सेल्फी लेना चाहती है, मुझे पकड़ना चाहती है, तो लगा कि ये तो जान मेरी चली जाएगी भाई, मैं ऐसे कैसे। मैं बड़ी मुश्किल से खुद मुख्यमंत्री जी के गाड़ी में ही जाके बैठ गया और कैसे कैसे वहां से निकला। तो ये सही बात है कि मैंने कहा था कि अगर आप लोग मुझे बुलाते हैं प्रचार करने के लिए तो कम से कम मुझे ऐसी सुविधा तो दीजिए कि मैं प्रचार करके वहां से सुरक्षित निकल सकूं। ये थे भोजपुरी के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, जो अब आजमगढ़ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं अखिलेश यादव के खिलाफ। इनका कहना है कि मेरे पास जो ताकत है वो इनकी साफ नीयत है और इसी नीयत के आधार पर ये आजमगढ़ में अखिलेश यादव का मुकाबला करेंगे। कैमरामैन बाबूलाल के साथ विनोद मिश्रा, जी मीडिया, वाराणसी।